हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत अनेक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अपने पहले चैप्टर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पहले चैप्टर में हमने अभी तक के 1773 से लेकर 1858 तक का और 1858 से लेकर 1919 तक के एक्ट को डिस्कस किया है। लास्ट जो हमारा एक्ट रहा है 1919 का एक्ट रहा है, जिसमें हमने डायरेक्टली यानी द्वैत शासन तक इसके विषय में बात कर ली थी, है ना, द्वैत शासन। अब इस द्वैत शासन के बाद, यानी द्वैत शासन मैंने बताया था आपको क्या होता है कि कैसे दो प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई थी। पहला है रिजर्व और इसको ट्रांसफर, दो में डिवाइड किया गया। लियोनिस कार्टिस, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी द्वैत शासन यानी डायर की, उसमें इस विषय के विषय में बात की थी। जो डायरकी में दो प्रकार की शासन व्यवस्था को इसमें लिया गया था, एक था रिजर्व और एक था ट्रांसफर। रिजर्व विषय ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट हुआ करते थे जिसमें गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस वो क्या करता था, जो इंपॉर्टेंट विषय होते थे वो उसे अपने पास में रिजर्व कर लेता है। लेकिन वहीं पर जो नॉन इसेंशियल था, जो बहुत ज्यादा तवज्जो देने की इतनी जरूरत नहीं थी, उसको उन्होंने ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल करके लोकल गवर्नमेंट चलाने वाले नेताओं को, अधिकारियों को प्रदान कर दिया वो था रिजर्व, सॉरी ट्रांसफर। तो रिजर्व में उसने क्या किया था, गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर अपने पास लॉ एंड ऑर्डर संबंधित जो विषय होते हैं, खासकर पुलिस की, राजस्व इकट्ठा करने के, रेवेन्यू की, इन सब विषयों को अपने पास में यहां पर रख लिया। और दूसरा क्या था, जो ट्रांसफर विषय थे जैसे पुलिस हो गया, एजुकेशन हो गया, लोकल गवर्नेंस हो गई, इसको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद में 1919 के एक्ट के बाद क्या हो गया, इसके बाद एक बड़ा और सुधारवादी कदम यहां से गवर्नमेंट की तरफ दिखता है, क्या है वो, 1935 के एक्ट के रूप में। 1935 का एक्ट जो अपने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के रूप में देखा जाता है, क्या है 1935, ठीक, इसे भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम एक प्रकार से मिनी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, जो आज की डेट में हमें मिला है, उसका एक बहुत बड़ा वृहद स्वरूप इसी 1935 के एक्ट से लिया गया है, ठीक। अब इस एक्ट में जो इसका रिकमेंडेशन, यानी जब ये एक्ट बनाने की बात आई तो एक कमेटी बनी थी और इस कमेटी में साइमन कमीशन, जो कहते हैं ना साइमन कमीशन के रूप में बनाया गया था। तो पहले इसमें कौन थे, जॉन साइमन, और इसके साथ में सदस्यों की संख्या 7 सदस्य थे, जिसे व्हाइट कमेटी कहा गया। दोस्तों, ये व्हाइट कमेटी क्या है, व्हाइट कमेटी क्या है, ऐसी कमेटी जो केवल श्वेत लोगों यानी कि व्हाइट पीपल के द्वारा ही बनाई गई हो, यानी कि यहां पर जो ये रिकमेंडेशन दिया गया था, साइमन कमीशन 1927 में आया था भारत को, और ये इतिहास का विषय है। उस दौरान जब आया था तो उनको करना क्या था, भारत के विषय में, भारत के विषय को लेकर के कुछ अपने सुझाव देने थे, सुधार की बातें करनी थी। लेकिन एक विसंगति इसमें क्या थी कि भारत के ही विषय में बात करनी थी, लेकिन उस पूरी कमेटी में कोई भी भारतीय नहीं था, नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर कमेटी। सो व्हाट हैपेंड, इस कमेटी को पूरा का पूरा व्हाइट कमेटी या श्वेत कमेटी कही गई थी, श्वेत गोरों की कमेटी कही गई थी, है ना। तो इसी गोरों की कमेटी को लेकर के आपको याद हो, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी बरसाई गई थी, उनकी उससे मृत्यु हुई थी, वो एक अलग पार्ट है, वो हिस्ट्री का पार्ट है। तो यहां पर एक 7 सदस्यों के साथ जॉन साइमन कमीशन की एक रिकमेंडेशन दे दी जाती है। इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, एक ऑल इंडिया या अखिल भारतीय संघ,
अखिल भारतीय संघ की स्थापना ऑल इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, 11 ब्रिटिश प्रोविंस, इसको कहते हैं हम लोग संघात्मक सरकार, संघात्मक शासन, यहीं पर देखा गया, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रोविंस, 11 ब्रिटिश प्रोविंस, इसके साथ साथ में 6 कमिश्नरी, 6 कमिश्नरेट, और साथ साथ में देशी रियायती, तीन ग्रुप डिवाइड किए गए। पहला था जो ब्रिटिश कंट्रोल भारत का पार्ट था, 11 नंबर में 11 संख्या में थी। दूसरा 6 कमिश्नरेट, कमिश्नरी सिस्टम भी था उस दौरान, 6 नंबर में थी, और इसके साथ साथ देशी रियासतों, इन सब को मिलाकर एक संघ बनाना था, और वो कह रहा था ऑल इंडिया एसोसिएशन, एक पूरे भारत, एक बृहद भारत का निर्माण इसमें करना था। यहां पर क्या हो गया, इस पूरी व्यवस्था में एक जो प्रोविंस होता है, प्रांत होते हैं, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, है ना, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई यहां से, ठीक। नाउ प्रोविंस बिकम मोर फ्री फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहां पर इनको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए, ठीक, और ये 1937 से लागू हुआ। है ना, प्रांतों को जो स्वायत्तता थी वो 1937 से लागू की गई। अब भी लागू की गई थी तो यहां पर कुछ चेंजेस किए गए। 1990 के एक्ट में हमने देखा था कि जो डायरेक्टी थी वो प्रांतों में लागू की गई थी, और जो बाइकैमरलिज्म था वो प्रोविंस में लागू, सेंटर में लागू की गई थी। अब यहां पर इसमें बदलाव हो जाता है। बदलाव क्या होता है, द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो प्रांतों में लागू, ठीक है, और डायरकी, द्वैत शासन कहां पर, केंद्र, समझ गए। द्विसदनात्मक मतलब यहां पर क्या है, अपर हाउस और लोअर हाउस, और यहां पर रिजर्व और ट्रांसफर, ऐसे दो विषयों को केंद्र में अब बांट दिया, ठीक है। जब इसको डायरेक्टली केंद्र में लागू किया गया तो रिजर्व जो विषय हुआ करते थे वो विषय जैसे कि डिफेंस, जैसे कि डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षा जिसे कहते हैं हम लोग, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, कम्युनिकेशन, है ना, आज की डेट में जो आप देखते हैं जो पावर मेन होती है, जिसके हाथ में होती है, वो सब रिजर्व व्यवस्था में कर दिए गए, ठीक है। ये एक व्यवस्था यहां पर की गई। फेडरल कोर्ट की शुरुआत यहां से होती है, फेडरल कोर्ट, ठीक, कोर्ट जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें एक फेडरल
संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। इसे हिंदी में कहते हैं संघीय न्यायालय। यहीं से संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इसमें आता है, जैसे कि जो केंद्रीय कोर्ट की जो स्थापना हुई थी दिल्ली में हुई, कहां हुई? दिल्ली में, सेंट्रल कोर्ट। ठीक है, जो आज सुप्रीम कोर्ट आप देखा है जैसे कि दिल्ली में है, वो इस प्रकार से सेंट्रल एक कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई, जिसमें जो पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो मॉरिस ग्वेरे थे। इसमें पहले चीफ जस्टिस कौन थे? पहले चीफ जस्टिस मॉरिस ग्वेरे थे। इसके साथ साथ में 6 सदस्य और थे। ठीक है, मॉरिस ग्वेरे प्लस 6 सदस्य मिलकर के यहां पर 6 जज, सदस्य का मतलब यहां पर 6 जज, 6 जज। ठीक है, पहले चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस ग्वेरे। मॉरिस ग्वेरे पहले चीफ जस्टिस थे। इसके साथ में 6 मेंबर और भी यहां पर थे। इस पूरे 6 सदस्य में 2 भारतीय भी शामिल थे। 6 सदस्यों में 2 भारतीय, 2 भारतीय भी शामिल थे। ठीक है, एक थे जैकब, एक थे जैकब जो भारतीय जस्टिस थे, जिनका पूरा नाम था JMR, जस्टिस एम आर जैकब, और दूसरे थे MS सुल्तान। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, बट मे भी पूछ सकता है, लॉ एग्जाम में पूछ सकता है। हु आर द टू फर्स्ट टू इंडियन हु हैव बीन इलेक्टेड एज एन जस्टिस ड्यूरिंग द फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। जो 6 सदस्यीय जजेस की जो और जज फेडरल कोर्ट में, सेंट्रल कोर्ट में चुने गए थे, उनमें 2 भारतीय कौन थे? पहले थे एम आर जैकब और दूसरे थे एम एस सुल्तान। ऐसे 2 जज यहां पर अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, टोटल जो यहां पर ट्रांसफर और रिजर्व विषय की जो बात हो रही है, इस ट्रांसफर और रिजर्व में यहां पर मैं बता देता हूं, रिजर्व विषय की जब बात हो रही है तो रिजर्व विषय में टोटल यहां पर कैटेगराइज किया गया था इसको। यहां पर यूनियन के कुछ विषय रखे गए थे, सब्जेक्ट थे यहां पर, यूनियन प्रोविंस सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ में कंकरेंट विषय रखे गए थे। तो यूनियन सब्जेक्ट जो ये रिजर्व और ट्रांसफर की जो बात हो रही है यहां पर, उसमें से जो यूनियन विषय थे उसमें 59 सब्जेक्ट थे, इसके पास 54 सब्जेक्ट थे और इनके पास कंकरेंट 36 विषय हुआ करते थे। ठीक है, इस प्रकार से एक पूरी व्यवस्था बनाई गई। यहां पर आपको याद है भारत के जो संविधान को भी, नया जो संविधान से 47 के बाद बना हमारे पास आया, उसमें भी क्या है, ऐसे जो यूनियन लिस्ट की जो विषय है, स्टेट लिस्ट की जो विषय है और कंकरेंट लिस्ट के विषय है, उसमें भी यही कैटेगराइजेशन यहीं से उसको लिया गया है। ठीक है, 59 सब्जेक्ट आर रिजर्व विद यूनियन, 54 रिजर्व विद प्रोविंस एंड 36 आर इन कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें भी जो रेजिड्यूरी पावर था वो किसके पास रिजर्व था?
गवर्नर जनरल के पास, है ना, एग्जीक्यूटिव पावर भी गवर्नर जनरल के पास रिजर्व था। ये बड़ी बातें यहां पर हुई। यहां पर फिर भारत परिषद जो इंडियन काउंसिल ब्रिटेन में थी वो क्या हो गई, समाप्त कर दी गई। ठीक है, मैंने बताया था ना ब्रिटेन में भी दो ऐसी काउंसिल थी, वहां पर उस काउंसिल को अब समाप्त कर दिया गया। दूसरा काम क्या हुआ, 1937 में चुनाव हुए, इलेक्शन कराए गए, और उस इलेक्शन में क्या हो गया, उस इलेक्शन में कांग्रेस ने 6 प्रोविंस जीते थे, कांग्रेस 6 प्रोविंस, 6 प्रोविंस में कांग्रेस ने अपनी विन जीत दर्ज की थी। वो कौन कौन से हैं आप जान लीजिए, मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, 3 ये हो गए। इसके साथ साथ में बरार, उड़ीसा और मध्य प्रांत, बरार, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इसको बॉम्बे कहते हैं, बॉम्बे, इस प्रकार से 6 प्रोविंस में कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की। इसके साथ साथ में क्या हुआ था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और असम में संयुक्त सरकार, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस प्लस असम, ये दो जगहों पर संयुक्त सरकार बनाई। ठीक है, जब इलेक्शन हुए थे उस समय 6 प्रांतों में सीधी जीत दर्ज की थी, और इसके साथ साथ 2 प्रोविंस जो कि यहां पर मद्रास, बिहार, नॉर्थ प्रोविंस, मध्य प्रांत, बरार, उड़ीसा और बॉम्बे थे, इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और आसाम में संयुक्त सरकारें भी बनाने का इनको मौका मिला। ठीक है, तो बचे क्या थे इसमें, बंगाल, पंजाब और सिंध, यहां पर नहीं जीत सके, अदर पार्टियां थी। ठीक है, बंगाल, पंजाब और सिंध में नहीं जीत पाए थे लोग, अदर पार्टी ने वहां पर अपनी जीत दर्ज की थी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रह गया, जैसे कि विधानसभा, यहां पर जो विधानसभा बनी थी द्विसदनात्मक प्रांतों में, इस बाइकैमरिज्म व्यवस्था में वो कौन कौन से राज्य थे उसको अब हम लोग जान लेते हैं। टोटल यहां पर जो प्रांत थे वो 6, कहां पर 6 प्रांतों में, 6 प्रोविंस में, ठीक, 6 प्रोविंस में द्विसदनात्मक व्यवस्था को कायम किया गया। जैसे कि आप चाहे लिख सकते हैं बिहार, बंगाल, असम, कहां कहां पर, बिहार, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, आसाम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कहां कहां पर, बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, आसाम, यूपी, बॉम्बे एंड मद्रास। ये टोटल 6 प्रोविंस में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, क्या थी, द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाई कैमरलिज्म। एक पॉइंट यहां पर और क्या रहा, 1930
5 के एक्ट से क्या हुआ, जो बर्मा है, बर्मा है उसको क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। प्रश्न पूछा जाता है बर्मा को किस एक्ट से अलग किया गया, वो था 1935 का। नए प्रोविंस उड़ीसा और सिंध का निर्माण इस काउंसिल एक्ट में होता है। इसके साथ साथ में एक संघीय शासन की व्यवस्था, संघीय शासन की व्यवस्था प्रारंभ होती है। यह है टोटल 1935 का एक्ट। नेक्स्ट हमारा है लास्ट, ठीक है, लास्ट क्या है हमारा, 1947 का एक्ट। जिसे कहते हैं हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट में क्या किया गया, 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को क्या होता है, पीएम प्रधानमंत्री एटली, प्रधानमंत्री एटली बिल पेश करते हैं। जो बिल होता है ये वाला, इस बिल को पेश करते हैं। इसके बाद 15 से 16 जुलाई के बीच में क्या होता है, पास होता है, 15 जुलाई को और 16 जुलाई को। 15 जुलाई को सबसे पहले ये कहां से, हाउस ऑफ कॉमन से, हाउस ऑफ कॉमन को लोअर हाउस कहते हैं और बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसको अपर हाउस कहते हैं, पास पास हो जाता है। फिर 18 जुलाई को इस पे एसेंट मिल जाता है। संस्तुति मिल जाती है, ठीक है, 18 जुलाई को, ठीक। इस पूरे एसेंट में क्या था, 20 धाराएं थी, इसमें पूरे में 20 धाराएं थी, आर्टिकल थे, ठीक। फिर क्या होता है, जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद था वो समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद है उसे पहले खत्म करते हैं। फिर एक जो सीमा आयोग है वो बनाई जाती है, सीमा आयोग जिसे कहते हैं रेडक्लिफ, रेडक्लिफ आयोग, ठीक है, ये बनती है जो बंगाल और पंजाब में डिवीजन के लिए जिम्मेदार रहती है, यहां पर बंगाल और पंजाब में सीमा को निर्धारण करने में सहयोग देती है। इसके साथ साथ में क्या होता है, कॉमनवेल्थ से पृथक होने का अधिकार, कॉमनवेल्थ क्या है, ब्रिटिश रूल जो देश है उनका एक एसोसिएशन बनाया गया था और उस एसोसिएशन में जुड़ने का या बाहर जाने का, पृथक होने का अधिकार भारत को दे देती है। इसके बाद 15 जुलाई 1947 को क्या होता है, भारत अलग हो जाता है,
भारत अलग देश बन जाता है, पाकिस्तान पार्टीशन, एक पाकिस्तान देश 14 जुलाई को ये स्वतंत्रता ले लेता है। तो इस प्रकार से पूरा पूरा ये जो एक्ट आया है यहां पर, इस एक्ट में इन सब की विषयों की बातें होती है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, पूरा का पूरा एक जो देश का आजादी है वो 1949। दोस्तों यहां पर जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का जो है वो जब आया था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या इसको वाइस रॉय कहते हैं, इस समय यहां पर थे, ठीक। लॉर्ड माउंटबेटन को ये काम सौंपा गया था कि आप जाके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में पास किया गया है इसको जल्द से जल्द वहां पर लागू कराइए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज जो फर्स्ट चैप्टर था पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उसको हमने यहाँ पर संपन्न किया है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे अपने अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।